हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक ट्रिकी प्रोग्राम। बेसिकली ये प्रोग्राम बेस्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। हम सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर कोई डेटा प्राइवेट सेक्शन में रहता है तो वो क्लास के बाहर इजीली एक्सेस नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल वी यूज़ द फ्रेंड फंक्शन, राइट। बट ऐसा एक शॉर्टकट मेथड है, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रिकी है, कि जिसके थ्रू हम प्राइवेट डेटा भी क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम एक दो क्लास लेंगे। तो लेट्स से वी हैव अ क्लास बैंक। द क्लास बैंक कुछ प्राइवेट डेटा है, कुछ प्रोटेक्टेड है। एक्चुअली यहाँ पे हमें थोड़ा इनहेरिटेंस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो इसलिए बैंक क्लास में कुछ नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द क्लास लेट्स से अकाउंट, and which is deriving some data from bank. Okay, so bank एक class है, bank class से account class data inherit कर रहा है। Now the interesting thing is that in the private section, let's say we have a data member like string password. When we have the account, so we have some kind of the data member as a password. Okay, then we have a common function, let's say void secret is a function. Which is going to display one statement that this is secret function from private. And if we have to print it, the next statement onto the new line, so we will write a endl. And if we have to print this password, so we will write it as a password is, and the password is stored into the string password. So we will write it as a password. Okay. Then, so in the private section, we have the data member password and one member function secret. Then we have a public section, and into the public section we will write one constructor. So the class name is account, so constructor name is same as with the class name, so it's an account, and we are passing some values to this constructor, right? So the value of a string password we are passing to this constructor, so that is account string, let's say s, and the string that we have passed is stored into the s. और एस में जो स्ट्रिंग हमने पास की है वो हमें पुटअप करनी है पासवर्ड ये डेटा मेंबर में। सो जस्ट वी हैव टू राइट पासवर्ड इज इक्वल टू एस। तो क्या हो जाएगा, एस से जो स्ट्रिंग हमने पास करी थी वो एस से स्ट्रिंग पासवर्ड में आ जाएगी, और पासवर्ड में जो स्ट्रिंग आई है वो यहाँ से पासवर्ड में डिस्प्ले करना चाहिए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सीक्रेट फंक्शन जो है ये और ये पासवर्ड डेटा मेंबर ये दोनों प्राइवेट हेडर में है, दैट इज़ प्राइवेट मॉडिफायर में। तो ये डेटा एक्सेस बाहर नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं कि बाहर एक्सेस कैसे होता है। एक्चुअली ये मेथड से मैं भी व्हाट वी कैन से शॉक्ड हो चुका है कि प्राइवेट डेटा कैसे इजीली आएगा। ओके, सो लेट्स से वी हैव द पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन में हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है एंड वी हैव पास द स्ट्रिंग। नेक्स्ट डायरेक्टली वी हैव द मेन फंक्शन। इन द मेन फंक्शन let's say we create a data object. Okay, so the class is account. Account का एक object create करते हैं a1. Okay, और मान लीजिए हमें a1 वन से सिर्फ सीक्रेट फंक्शन को कॉल करना है। सो इज इट पॉसिबल, ए वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट क्लास एंड वी हैव टू कॉल द फंक्शन सीक्रेट विच इज प्रेजेंट इन टू द प्राइवेट सेक्शन। सो लेट्स से वॉट विल हैपन, सो ए वन डॉट सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट फंक्शन को कॉल करते हैं। बट ए वन जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसके साथ हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अकाउंट जो क्लास है जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है, बट वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है एक स्ट्रिंग को, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के साथ एक स्ट्रिंग पास करेंगे। सो द स्ट्रिंग पास करेंगे, सो लेट्स से वी हैव पास द पासवर्ड एज अमोल 123, फाइन। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इसके साथ हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है। ओके तो एक हमने स्ट्रिंग पास करी है, वो जाएगी एस में, एस से स्ट्रिंग पासवर्ड में जाएगी, तो पासवर्ड में आएगा ये हमारी स्ट्रिंग अमूल 123। तो बाद में हमने a1.secret को कॉल किया, तो सीक्रेट फंक्शन कॉल होगा, ने रन करना चाहिए, दिस इज सीक्रेट फंक्शन फ्रॉम प्राइवेट एंड पासवर्ड इज, जो हमने एस से थ्रू पास किया है वो पासवर्ड अमूल 123 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। सो लेट्स से व्हाट विल हैपन, रिटर्न जीरो एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, वी शुड गेट एन एरर बिकॉज इट सेज दैट पासवर्ड इज नॉट डिक्लेयर्ड राइट एंड इट इज अ प्राइवेट राइट, सो दैट मीन्स सीक्रेट इज अ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सो वी कांट एक्सेस दिस सीक्रेट आउटसाइड द क्लास। सो व्हाट विल हैपन, तो जो ट्रिक है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जो प्राइवेट डेटा है ये क्लास के बाहर एक्सेस कैसे होगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास बैंक इज देयर, ओके तो क्लास बैंक में हम क्या करेंगे, एक सेम नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे, सो लेट्स से void secret, जिसमें इसकी बॉडी में कुछ नहीं है, ओके सो देर इज नो एनी डेफिनेशन फॉर दिस फंक्शन सीक्रेट। सो सेम फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और जब आपको पता है कि बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों इसमें सेम फंक्शन रहता है, तो हम यूज करते हैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट, इट नॉट नेसेसरी बट जनरली हम यूज करते हैं, ओके सो द क्लास इज बैंक, पहला जो क्लास है बेस क्लास उसका एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बैंक पॉइंटर PTR, और PTR में स्टोर करते हैं A1 का एड्रेस, बिकॉज पॉइंटर इज द वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके तो थोड़ा आप रिवाइज करिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसमें हमने पॉइंटर कंसेप्ट यूज़ किए हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या किया हमने, A1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अकाउंट क्लास का, जिसमें हमने स्ट्रिंग पास करी है, देन बैंक क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट में A1 का एड्रेस पुट किया है, तो मतलब A1 का डेटा पूरा जो है वो PTR में आना चाहिए। अब PTR से हम क्या करेंगे, सीक्रेट फंक्शन कॉल करेंगे, तो जब भी हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट में डॉट यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं एरो, सो PTR एरो सीक्रेट। अगर हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वी यूज़ डॉट ऑपरेटर, बट अगर हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट से अगर आपको मेंबर फंक्शन रन करना है तो हम यूज़ करते हैं एरो। सो लेट्स चेक व्हाट विल हैपन, सो अगेन देयर आर एरर दैट पासवर्ड इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप बिकॉज इट सेज दैट, सॉरी इट्स कैपिटल वन वॉज देयर, कैपिटल वन दैट इज अनडिफाइंड, सो अगेन रन दिस, सी इट सक्सेसफुली कंपाइल्ड। तो यहाँ पे हमें कुछ भी एरर नहीं आया है क्योंकि हमने सेम फंक्शन दोनों इसमें प्रेजेंट लिया है, बट देखिए हमें आउटपुट कुछ नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, क्योंकि इस केस में रन हुआ है आपका बेस क्लास का सीक्रेट फंक्शन। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि हुआ क्या है, तो देखिए A1 में जो डेटा है अमोल 123 ये PTR में नहीं आया है, देखिए क्यों, क्योंकि दोनों इसमें सेम फंक्शन है सीक्रेट एंड सीक्रेट, तो PTR ने क्या किया है कि इसका PTR इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक क्लास, तो बैंक क्लास में जो भी सीक्रेट फंक्शन है वो एज इट इज़ इसने रन कर दिया है, तो इसमें कोई डेटा नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट ब्लैंक दिखाई दिया है। ठीक है, अब जो ये वीडियो है ये बेस्ट है ये ट्रिक पे कि कौन से ट्रिक से प्राइवेट डेटा जो है ये कैसे एक्सेस होगा बाहर। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि बेस क्लास में हम वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करते हैं और पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू ये डेटा हम एक्सेस करते हैं। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम, लुक एट द आउटपुट, दिस इज द सीक्रेट फंक्शन फ्रॉम प्राइवेट। ठीक है, तो ये सीक्रेट फंक्शन रन हुआ है प्राइवेट सेक्शन का ऑफ अकाउंट क्लास, ओके एंड जो हमने ये फंक्शन कॉल किया है ये बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट से कॉल किए हैं। ओके नेक्स्ट, जो हमने पासवर्ड यहाँ से पास किया था 123 ये गया है A1 में, A1 का डेटा PTR में गया है और PTR ने क्या किया है सीक्रेट फंक्शन को कॉल किया, तो दैट्स व्हाई पासवर्ड इज, जो भी पासवर्ड आपने दिया होगा प्राइवेटली वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, मतलब प्राइवेट डेटा हमने क्लास के बाहर एक्सेस कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा आप प्रोग्राम को पॉज एंड स्टार्ट करिए, आपको प्रोग्राम इजीली समझ में आएगा। ठीक है,
I hope you like this program very easily. Okay, so if you like this program, so kindly like, share and subscribe to this channel. Thank you. अगर आपको कोई doubts होंगे तो आप comments box में इसमें लिख सकते हो. Thank you.